अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा। आप लोग देख रहे हैं तलहा फिजिक्स एकेडमी। फर्स्ट ईयर फिजिक्स के एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है। बारी है PECHS गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन के पेपर को सॉल्व करने की। तो फर्स्ट ईयर फिजिक्स का पेपर है और सेकेंड ईयर का ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ, तो वही 33 एमसीक्यूज हैं, वन बाय वन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस चीज़ का यूनिट है? पावर, वोल्टेज, एनर्जी या चार्ज। अब देखो, ये जो वर्ड आ रहा है ना इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बेसिकली इसको तो सेकेंड ईयर में जाके क्लियरली पढ़ते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो बेसिकली एनर्जी का यूनिट है। कैसे? बहुत छोटा यूनिट है, एटॉमिक फिजिक्स के अंदर इस्तेमाल होता है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ये बराबर होता है 1.610^-19 जूल्स के। ठीक है ना, बहुत छोटा यूनिट है, बट ये कि इस्तेमाल होता है एटॉमिक फिजिक्स के अंदर, जहाँ पे एनर्जी की वैल्यूज बहुत कम होती हैं वहाँ ये काफ़ी यूजफुल है। क्वेश्चन नंबर टू, द डायमेंशंस ऑफ एंगुलर वेलोसिटी आर। जो एंगुलर वेलोसिटी है उसकी क्या डायमेंशन है? तो एंगुलर वेलोसिटी का कोई फॉर्मूला पता हो, एंगुलर वेलोसिटी बराबर होती है वी इज इक्वल टू आर ओमेगा। जरूरी नहीं है ये वाला फॉर्मूला आप इस्तेमाल करो, आप डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी भी इस्तेमाल कर सकते हो। चलो अगर ये जहन में आया पहले तो इसलिए सॉल्व करते हैं। तो ओमेगा बराबर आ जाएगा वी ओवर आर के, ठीक है, और ओमेगा का हमें जो है वो यूनिट निकालना है। तो v स्पीड की डायमेंशन होती है LT-1 और r जो रेडियस है उसकी डायमेंशन होती है l, l से l कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा t इनवर्स, यानी कि सिर्फ और सिर्फ t इनवर्स ही आएगा। और अगर उस फॉर्मूले से निकालते ओमेगा बराबर है डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा t, अगर इससे ही मालूम करते ना तब भी सेम आंसर आता, एंगल की कोई डायमेंशन नहीं होती 1 और टाइम की डायमेंशन होती है t, तो ये भी बराबर हो जाता है t इनवर्स के। ठीक है, तो हर फॉर्मूले से डायमेंशन तो बहरहाल सेम ही निकलती है। क्वेश्चन नंबर थ्री, व्हेन अ फॉलिंग ऑब्जेक्ट रीचेस अ स्पीड वेयर द फोर्स ऑफ एयर रेजिस्टेंस इज इक्वल टू इट्स वेट, देन इट इज इज फ्लाइंग बिगिंस टू स्लो डाउन रीचेस इट्स टर्मिनल वेलोसिटी, नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर है कि वो अपनी टर्मिनल वेलोसिटी पहुंच जाता है। टर्मिनल वेलोसिटी ये है कि जब भी कोई बॉडी ड्रॉप होती है, ठीक है ना, तो एक वक्त ऐसा आता है, देखो जैसे जैसे बॉडी नीचे गिरती रहती है ना उसकी स्पीड बढ़ती रहती है। एफ बराबर होता है स्टोक्स लॉ 6π eta rv, इसका मतलब अगर स्पीड बढ़ती रहेगी तो जो एयर रेजिस्टेंस है, जो ड्रैग फोर्स है, वो बढ़ती रहेगी। तो जब भी कोई बॉडी नीचे की तरफ गिरती है तो उसकी स्पीड बढ़ती रहती है, ड्रैग फोर्स बढ़ती रहती है, और एक वक्त ऐसा आता है कि जो उसकी फोर्स होती है, ड्रैग फोर्स, वो वेट को बैलेंस कर देती है। और जैसे ही वेट को बैलेंस करती है तो ऑब्जेक्ट कॉन्स्टेंट वेलोसिटी के साथ नीचे आता रहता है, और उस वेलोसिटी को कहते हैं उसकी टर्मिनल वेलोसिटी। क्वेश्चन नंबर फोर, द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल बिकम हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू इफ द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज। जो रेंज होती है किसी प्रोजेक्टाइल की वो आधी हो जाती है मैक्सिमम वैल्यू के जब एंगल होता है 15, 30, 45, 60। सो वी मस्ट सिंप्लीफाई दैट। कंडीशन क्या गिवन है और क्वेश्चन कौन सा है पहले तो ये बता दूं। क्वेश्चन है ये फोर, गिवन कंडीशन ये है कि जो रेंज है ना वो हाफ हो जाता है मैक्सिमम रेंज के, तो हमें एंगल मालूम करना है। अच्छा, रेंज का जो जनरल फार्मूला है वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी और 1/2, और आर मैक्स का क्या फार्मूला होता है? आर मैक्स बराबर होता है, आर मैक्स की जगह पे अगर पूरी वैल्यू पुट करें तो ये होता है वी नॉट स्क्वायर ओवर जी। ठीक है ना, बाकी किसी चीज़ की जरूरत नहीं होती, वी नॉट स्क्वायर ओवर जी होता है। तो सबसे पहले क्या कैंसिल होगा यहाँ पे, वी नॉट स्क्वायर से वी नॉट स्क्वायर, जी से जी कैंसिल, तो हमारे पास सिंप्लीफाइड वैल्यू बनेगी साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1/2। रीअरेंज करेंगे तो 2 थीटा बराबर आ जाएगा साइन इनवर्स 1/2। अच्छा, साइन इनवर्स 1/2 बराबर होता है किसके? 30 डिग्रीज के ना, तो 2 थीटा 30 डिग्रीज के बराबर आ गया, तो थीटा बराबर आ गया 15 डिग्रीज के। ये पूरा सॉल्व मतलब याद भी रखी जा सकती है वैल्यू, लेकिन ये पूरा सॉल्व करवाने की वजह ये है कि आपको इसको किसी भी केस में फाइंड करना आ जाए। 1/2 के बजाय अगर वो 2/3 कहते, 3/2 कहते, तब भी आपको सॉल्व करना आना चाहिए। इस वजह से ये मैंने पैटर्न बताया आपको, सो द आंसर विल बी 15 डिग्रीज। ठीक है ना, तो सॉल्व करना सीखो, याद नहीं करो एमसीक्यूज को, टेक्निक सीखो बेसिकली। क्वेश्चन नंबर फाइव, द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय द टू वेक्टर्स ए एंड बी इज गिवन बाय। जो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है दो वेक्टर्स यानी कि ए और बी के दरमियान का, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे फाइंड किया जाता है? तो देखो सिंपल सा फॉर्मूला है, अगर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम चाहिए तो ये है फॉर्मूला, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, और ये जो है ना बेसिकली अगर इसी का आधा कर दिया जाए तो ये बन जाता है एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है ना, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल है।
ये फॉर्मूला है और बेसिकली चैप्टर नंबर 2 से रिलेटेड है, वहाँ पे इसको ड्राइव भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इफ द वेवलेंथ ऑफ ट्रांसवर्स वेव इज 20 सेंटीमीटर एंड द पीरियड ऑफ 2 सेकेंड देन द वेव स्पीड इज, वेव स्पीड कितनी होगी? ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो फॉर्मूले के मुताबिक अगर आपको वेव स्पीड पता करनी है तो वो बराबर होता है लेमडा डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड। वेवलेंथ कितनी है? वेवलेंथ है हमारे पास 20 सेंटीमीटर, तो 20 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 100 करेंगे 0.2 आएगा, ताकि आंसर मीटर में आ जाए। तो ये हो जाएगा 0.2 डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड कितना है, टाइम पीरियड है हमारे पास 2 सेकेंड के बराबर, तो 0.2 डिवाइडेड बाय कितना 2, तो ये बराबर आ जाएगा किसके, 0.1। स्पीड की बात हो रही है मीटर पर सेकेंड, इसका यूनिट सेकेंड लिया है, इसका यूनिट मीटर लिया है, सो हमें करेक्ट आंसर ढूंढना है 0.1 मीटर पर सेकेंड, जो कि ये वाला है 0.1 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 7, द डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की डायमेंशन मालूम करनी है। तो वैसे तो एनर्जी की एक पर्टिकुलर डायमेंशन होती है, चाहे काइनेटिक हो चाहे पोटेंशियल हो, लेकिन मैं ड्राइव भी करवा देता हूँ। पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली बराबर होती है एम जी एच के, एम होती है डायमेंशन एम, जी एक्सेलरेशन है, डायमेंशन होगी एल टी माइनस टू, और इसी तरीके से जो हाइट है इसकी डायमेंशन होती है एल, तो क्या डायमेंशन बनेगी, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू देखना है, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू दिस वन। चाहे काइनेटिक एनर्जी हो चाहे पोटेंशियल एनर्जी हो, यही है इसकी डायमेंशन, आपने जहन में रखना है। क्वेश्चन नंबर 8, इन केस ऑफ शॉर्ट साइडनेस द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड। जो शॉर्ट साइडनेस होती है, शॉर्ट साइडनेस का मतलब पता है, दूर की नजर का कमजोर होना। शॉर्ट साइडनेस का मतलब है दूर की नजर जो है ना वो कमजोर हुई है। तो अगर दूर की नजर कमजोर हो रही है तो फिर क्या कहानी हो रही होती है, जो इमेज बनता है वो इन फ्रंट ऑफ रेटिना बनता है, ऑन रेटिना बनता है, बिहाइंड रेटिना बनता है, या एटलीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन। तो याद रखो रेटिना से पहले ही इमेज बन जाता है, जब भी दूर की नज़र कमज़ोर होती है तो रेटिना से पहले इमेज बन जाता है। इसी वजह से हम इस्तेमाल करते हैं वहाँ पे कॉनकेव लेंस का, ताकि वो रेज को और डाइवर्ज करे और जो रेज हैं वो हमारे रेटिना तक पहुँच जाएं, ठीक है ना। इस वजह से शॉर्ट साइडनेस में वी हैव टू यूज़ कॉनकेव लेंस। क्वेश्चन नंबर 9, द एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी ऑफ मास एम इन द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड इज गिवन बाय। तो वो तो सिंपल सा फॉर्मूला है, आपने उसको जहन में रखना है, कैपिटल जी और एम ई एम ओवर आर। अगर हमें वैल्यू मालूम करनी है तो माइनस में आती है वैल्यू दिस वन, जहन में रखना है कि ये आर में रेडियस ऑफ अर्थ को ही ले रहा हूँ, क्योंकि ये भी आपको नजर आ रहा है, लेकिन ये करेक्ट ऑप्शन तब होता जब यहाँ पे स्क्वायर ना लगा हुआ होता। तो बेसिकली ये जो आर है वो रेडियस ऑफ अर्थ को ही जाहिर कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 10, अ बॉडी इज मूविंग अप अ फ्रिक्शन लेस इंक्लाइन प्लेन एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्रीज, तो उसका एक्सेलरेशन कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 10 एक सिंपल सा फॉर्मूला है, ए बराबर होता है जी साइन थीटा के, तो जी की वैल्यू होती है 9.8 और एंगल हमें गिवन है 45 डिग्रीज, तो ये हो जाएगा हमारे पास 9.8 इंटू साइन 45 कितना होता है 0.707, तो सिर्फ इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे, ये होगा 6.92 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और क्योंकि ऊपर की तरफ जा रही है जाहिर सी बात है माइनस का 9.8 लेने पर ये आ जाएगा माइनस का 6.92, सो हमें ढूंढना है माइनस का 6.92, उसको राउंड ऑफ किया हुआ बेसिकली। क्वेश्चन नंबर 11, के डॉट आई क्रॉस जे हैज़ वैल्यू, जो के डॉट आई क्रॉस जे होता है उसकी क्या वैल्यू होती है। सबसे पहली बात, आई क्रॉस जे बराबर होता है के, तो ये हो जाएगा के डॉट के, ठीक है ना, ये पूरा ब्रैकेट के बराबर है, के डॉट के बराबर होता है 1 के, इतना कुछ इसमें सोचने की बात नहीं है। सिंपल से आपने जो यूनिट वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट्स या क्रॉस प्रोडक्ट का तरीकेकार है उसको जहन में रखना है। क्वेश्चन नंबर 12, द फिजिकल क्वांटिटी विच प्रोड्यूसेस एंगुलर एक्सेलरेशन इज कॉल्ड टॉर्क। याद रखिए फोर्स प्रोड्यूस करती है लीनियर एक्सेलरेशन को ना, फोर्स किसको प्रोड्यूस करती है, फोर्स प्रोड्यूस करती है लीनियर एक्सेलरेशन को, और जो हमारे पास टॉर्क है वो प्रोड्यूस करती है एंगुलर एक्सेलरेशन को, क्योंकि ये ना सेम एनालॉगस में है। फोर्स का जो काम लीनियर मोशन के अंदर होता है, टॉर्क का वही काम एंगुलर मोशन में होता है। क्वेश्चन नंबर 13, द रिलेटिव इंटेंसिटी फॉर द साउंड ऑफ जेट इंजन इज 10 रेज टू द पावर 13, तो इंटेंसिटी लेवल कितना होगा डेसीबेल के अंदर
तो एक सिंपल सा रिलेशन मैं आपको समझाता हूँ, उससे आप इसको याद रख लोगे। क्वेश्चन नंबर 13, सिंपल सी लॉजिक ये है कि अगर आप रिलेटिव इंटेंसिटी निकाल रहे हो, आई ओवर आई नॉट निकाल रहे हो, और वो बराबर आ रही है वन के, तो वन का मतलब होता है 0 डेसीबल। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप निकालना चाह रहे हो आई ओवर आई नॉट, और इसका आंसर आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल इसका आंसर आ रहा है 10, तो 10 का मतलब 10 की पावर 1 है, तो ये किसके बराबर हो जाता है, ये हो जाता है बराबर 10 डेसीबल के। अगर यही चीज बराबर आती है किसके, यही चीज बराबर आती है 10 रेस टू द पावर 2 के, तो ये हो जाता है 20 डेसीबल। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 10 रेस टू द पावर 13, तो 10 इस पावर 13 का मतलब ये 2 एज इट इज, जैसे यहाँ पे लिखा था 13, यहाँ पे एज इट इज लिखा और मल्टीप्लाई बाय 10 हो रहा है बेसिकली ना, जो भी इसकी पावर है वो मल्टीप्लाई बाय 10 हो रही है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे जो इसकी पावर है मल्टीप्लाई बाय 10, ये हो गया कितना 10, फिर ये हो गया मल्टीप्लाई बाय 10 20, फिर 13 मल्टीप्लाई बाय 10, ये हो जाएगा 130 डेसीबल। तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा 13, और ये आ गया 130 डेसीबल के बराबर। क्वेश्चन नंबर 14, टू कॉन्वेक्स लेंसेज ऑफ सेम फोकल लेंथ आर कंबाइंड टुगेदर, तो कंबाइंड फोकल लेंथ कितनी होगी, तो कॉम्बिनेशन ऑफ फोकल लेंथ का फॉर्मूला इस्तेमाल करना है बेसिकली आपने। टोटल फोकल लेंथ होती है 1 ओवर f इज इक्वल टू, अब इसको f ही कर देता हूँ, टोटल फोकल लेंथ या इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, और बाकी जो दोनों लेंसेज हैं उनकी फोकल लेंथ जो है वो f के ही बराबर है। एलसीएम लेंगे, आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा f 1 + 1 2। हमसे उनकी कंबाइंड फोकल लेंथ पूछी गई है, जिसे मैंने इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कहा है, तो इसको ऊपर लेके जाएंगे, रेसिप्रोकल होगा, आंसर आ जाएगा f/2। अगर हमारे पास दो लेंसेज हैं जिनकी फोकल लेंथ बिल्कुल सेम है, तो उनकी कंबाइंड फोकल लेंथ जो है वो जो भी उनकी फोकल लेंथ होती है उसके हाफ के बराबर होती है, तो इसका मतलब हमारा आंसर हो जाएगा दिस वन f/2। क्वेश्चन नंबर 15, फॉर रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ थिन फिल्म, थिन फिल्म से जब भी रिफ्लेक्शन होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अकर्स, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है व्हेन द पाथ डिफरेंस इज। अब थोड़ा सा मैं आपको रिव्यू करवाता हूँ कि वैसे तो जो होता है ना फॉर्मूला पाथ डिफरेंस का फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वो बराबर होता है एम लेमडा के, डिस्ट्रक्टिव के लिए बराबर होता है एम प्लस हाफ लेमडा के, कंस्ट्रक्टिव का ऊपर वाला है डिस्ट्रक्टिव का नीचे वाला है, लेकिन 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 जब भी थिन फिल्म इंटरफेरेंस होता है तो ये कंडीशन रिवर्स हो जाती है। ऊपर वाला क्या है कि होल नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है पूरी वेवलेंथ से, और ये जो है ना एम प्लस हाफ वाला इसमें ऑड मल्टीपल मल्टीप्लाई होता है। अब यहाँ पर बात ये है कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है थिन फिल्म में, तो कंडीशन कंस्ट्रक्टिव वाली इस्तेमाल होगी। कंस्ट्रक्टिव वाली क्या होती है कि एक होल नंबर होता है जो कि होल वेवलेंथ से मल्टीप्लाई होता है, यानी कि जो फॉर्मल कंडीशन है फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस फॉर थिन फिल्म इंटरफेरेंस वो एम लेमडा के बराबर होती है। ठीक है, होल वेवलेंथ लेमडा आ गया, और ये जो m है वो बेसिकली कोई ना कोई होल नंबर होता है, m क्या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 एंड सो ऑन। ठीक है, तो बस जहन में ये बात रखनी है, कंडीशन जो रिवर्स हो जाती है ना थिन फिल्म में, तो कहीं हमारा आंसर गलत ना हो जाए। क्वेश्चन नंबर 16, अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड विद इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 90 मीटर पर सेकेंड टू हिट अ ग्राउंड लेवल टारगेट, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी होगी वो मालूम करना है। क्वेश्चन नंबर 16, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज जो है उसका फॉर्मूला होता है वी नॉट स्क्वायर ओवर जी, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज यानी कि आर मैक्स, तो वी नॉट का स्क्वायर यानी कि हमें करना पड़ेगा 90 का स्क्वायर डिवाइड बाय 9.8, 90 का स्क्वायर यानी कि 8100 डिवाइड बाय 9.8, 8100 को डिवाइड बाय 9.8 कराएंगे तो हमारे पास आंसर आएगा कहाँ गया 826.5, इसमें से कुछ नहीं आ सकता, आप इसको कैलकुलेट करके देख सकते हो, ये आएगा 826.5 मीटर पर सेकेंड, और सॉरी मीटर है सिर्फ। क्वेश्चन नंबर 17, बीट्स आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू, बीट्स कब प्रोड्यूस होती हैं, व्हेन टू वेव्स हैविंग स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज इंटरफेयर विद ईच अदर, बीट्स तभी प्रोड्यूस होती हैं जब स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज वाली वेव्स जो है वो एक दूसरे के साथ इंटरफेरेंस करती हैं, तो वो हमारे पास जो है वो पीरियोडिक वेरिएशन आती है इन द इंटेंसिटी ऑफ साउंड। क्वेश्चन नंबर 18, द नंबर 2.050 10 रेज टू द पावर 6 हैज सिग्निफिकेंट फिगर, एक्सपोनेंट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट, उसको क्लियरली हटा दो, 2 और 5 तो सिग्निफिकेंट होंगे ही होंगे, 0 सिग्निफिकेंट होगा क्योंकि दो नंबरों के दरमियान में आ रहा है, और क्योंकि 0 राइट साइड पर आ रहा है डेसिमल मौजूद है तो ये भी सिग्निफिकेंट होगा, देयरफॉर देयर आर 4 नंबर ऑफ टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स इन दिस वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 19, एट अ डिस्टेंस इक्वल टू द रेडियस ऑफ अर्थ अबव द अर्थ सरफेस ऑफ अर्थ,
द वैली ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन बिकम्स, अगर हम अर्थ की सरफेस से उतना ऊपर चले जाएं जितना कि अर्थ का रेडियस है, जितना अर्थ का रेडियस है अगर हम उतना ही और ऊपर चले जाएं, तो एक आर ई तो ऑलरेडी था, एक आर ई और आ गया, ठीक है ना। तो बताइए कि वैल्यू ऑफ जी कितनी हो जाएगी। तो क्लियर सी बात यह है कि कैपिटल जी एम ई ओवर आर ई का स्क्वायर होता है ना, तो अब यहाँ पे दो आर ई हो गए, तो ये हो जाएगा टू आर ई का स्क्वायर। टू आर ई का स्क्वायर का मतलब हो गया टू का स्क्वायर फोर, जिसे हम वन अपॉन फोर लिखेंगे, और ये हो जाएगा कैपिटल जी एम ई ओवर आर ई का स्क्वायर। यानी कि अब जो वैल्यू ऑफ जी होगी वो 1/4 हो जाएगी एक्चुअल वैल्यू ऑफ जी का, अगर हम अर्थ की सरफेस से उतना ही ऊपर चले जाएं जितना के अर्थ का रेडियस है। क्वेश्चन नंबर 20, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज जीरो। जो रेट ऑफ डूइंग वर्क होता है वो जीरो होता है व्हेन द एंगल बिटवीन फोर्स एंड वेलोसिटी इज। अच्छा, रेट ऑफ डूइंग वर्क किसे कहते हैं? रेट ऑफ डूइंग वर्क कहते हैं पावर को। पावर बराबर होती है पी इज इक्वल टू एफ डॉट वी, यानी कि सब कुछ डॉट प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है, और डॉट प्रोडक्ट का आंसर, डॉट प्रोडक्ट का मतलब एफ वी कॉस थीटा होता है, और कॉस का आंसर जीरो तभी आता है जब एंगल बराबर होता है 90 डिग्रीज के। तो हमें ढूंढना है कि रेट ऑफ डूइंग वर्क कब जीरो के बराबर होता है, जब एंगल बनता है 90 डिग्रीज। क्वेश्चन नंबर 21, इफ अ डिस्क इज रोटेटिंग इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और जो ओमेगा है वो आउट ऑफ द डिस्क जा रहा है, डिस्क इस तरीके से रोटेट कर रही है, ठीक है ना, कैसे रोटेट कर रही है, जैसे कि काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है, तो जो ओमेगा होगा वो आउट ऑफ द डिस्क जा रहा होगा, यानी कि ऊपर की तरफ जा रहा होगा, और डिक्रीज हो रही है जो स्पीड है, तो फिर अल्फा और ओमेगा की क्या डायरेक्शन होगी? ओमेगा की डायरेक्शन आउटवर्ड है, और क्योंकि इसकी स्पीड कम हो रही है तो अल्फा जो है वो उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर होता है। यहाँ पे क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये वर्ड कि डिक्रीजिंग हो रही है। जब भी डिक्रीजिंग होती है तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, चाहे वो लीनियर हो चाहे वो एंगुलर हो, तो इसका मतलब आंसर होना चाहिए एंटी पैरेलल। क्वेश्चन नंबर 22, यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज, जो यूनिट है एंगुलर मोमेंटम का वो क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम का यूनिट इज जूल सेकंड। क्वेश्चन नंबर 23, द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, जो सेंटर ऑफ मास होता है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का, ऑलवेज कॉन्साइड विद सेंटर ऑफ ग्रेविटी, नेवर कॉन्साइड विद द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, कॉन्साइड करता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी के साथ नॉन यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड में, ये कॉन्साइड करता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी के साथ यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड में। तो याद रखिए, सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी सिर्फ और सिर्फ तभी कॉन्साइड करते हैं जब बॉडी रखी हो यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड में, अदरवाइज वो कॉन्साइड नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 24, द मैग्नीट्यूड और रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल फोर्सेस एफ एंड एफ इज एफ, दो फोर्सेस हैं जिनके मैग्नीट्यूड्स एफ हैं और उनको ऐड करके आंसर भी एफ आ रहा है, तो बताइए उनके दरमियान का एंगल कितना होगा? मैं आपको बताता हूँ, वो एंगल 120 होता है, आप याद कर सकते हो, बट अगर आपको मालूम करना नहीं आता तो मैं वो ही बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 24 में फॉर्मूला होता है, अगर फोर्स मालूम करनी है तो जितनी दोनों फोर्सेज हैं उनका स्क्वायर किया जाता है, ठीक है, ऐड किया जाता है, और 2ab और साथ में क्या आता है, साथ में आता है cos थीटा, ठीक है, इसी तरीके सॉल्व करते हैं और हमें एंगल मालूम करना है। तो अभी क्या कंडीशन है, फोर्स भी f है और जिन दोनों फोर्सेस को आप ऐड कर रहे हो वो भी f के ही बराबर है, तो f स्क्वायर और 2f इंटू f, ये भी f स्क्वायर हो जाएगा, थीटा की वैल्यू मालूम करना चाह रहे हैं, ये कितने हो गए, ये हो गया हमारे पास 2f स्क्वायर प्लस ये भी हो गया 2f स्क्वायर cos थीटा, स्क्वायर रूट लगा हुआ है और इधर एफ लिखा हुआ है, क्या किया जाना चाहिए, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, पहले कॉमन ले लो, चलो 2f स्क्वायर कॉमन आ गया और हमारे पास बच गया 1 प्लस cos थीटा, और यहाँ पर स्क्वायर रूट आ रहा है, इधर एफ लिखा हुआ है, हाँ अब जो है वो स्क्वायरिंग कर लेते हैं ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड एफ स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2f स्क्वायर और साथ में लिखा है 1 प्लस cos थीटा, एफ स्क्वायर से एफ स्क्वायर कैंसिल, ये हो जाएगा हमारे पास 1/2, इधर जाके 2 को डिवाइड करा दिया, ये हो गया 1 प्लस cos थीटा, और इसी के साथ साथ 1/2 माइनस का 1 हो जाएगा, cos थीटा अलग हो जाएगा, तो cos थीटा की वैल्यू बराबर आएगी, cos थीटा इज इक्वल टू माइनस का 1/2, सो थीटा बराबर आ जाएगा cos इनवर्स माइनस 1/2, और अगर आप लोग मालूम करोगे cos इनवर्स 1/2 तो ये बराबर आ जाएगा 120 डिग्रीज के। तो बेसिकली आप इसकी वैल्यू याद रखो, पर जो भी कंडीशन दी जाए ना, वही बात जो मैंने पहले भी समझाई, आपने कंडीशन को बनाना सीखना है।
25. हाउ मेनी मीटर्स विल अ 2 किलोग्राम बॉल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट फॉल्स फ्रीली इन 1 सेकेंड. तो मास से ताल्लुक नहीं है, वी आई गिवन है, और हमें जो है वो टाइम गिवन है. वी आई है, टाइम है, और डिस्टेंस मालूम करना है. तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, एच बराबर होता है वी आई टी प्लस 1/2 जी टी का स्क्वायर. हमें मालूम करना है हाइट कितनी कवर करेगा, और वी आई 0 के बराबर है, तो ये बात खत्म हो गई. यहाँ पे आ गया 1/2, और 10 कर लेते हैं, इजी हो जाएगा, या 9.8 से भी कर सकते हो. 9.8 से करके देख लो इसको. तो 1/2 इंटू 9.8, और साथ में आ जाएगा टी का स्क्वायर. ये हो जाएगा टी का स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर. 1 का स्क्वायर 1 होता है, उसको छोड़ दो. 9.8 डिवाइड बाय 2, ये बराबर आएगा 4.9 मीटर्स के. 1 सेकेंड के अंदर जो बॉडी है वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी 4.9 मीटर्स का. क्वेश्चन नंबर 26. कन्वर्जिंग लेंस गिव डाइवर्जेंट रेज. वैसे कन्वर्जिंग लेंस का काम है रेज को कन्वर्ज करना, पर वही रेज डाइवर्जेंट हो जाती हैं जब ऑब्जेक्ट को रख दिया जाता है फोकल लेंथ के अंदर. जब ऑब्जेक्ट को फोकल लेंथ के अंदर रख दिया जाता है तो रेज जो है वो डाइवर्जेंट हो जाती हैं. यानी के जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है वो फोकल लेंथ से अगर कम होगा तो जो कन्वर्जिंग लेंस है वो रेज को डाइवर्ज कराता है, और सेम साइड ऑफ द लेंस के ऊपर जो है वो इमेज बन जाता है. जैसे मिसाल के तौर पे इन केस ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप या मैग्नीफाइंग ग्लास. क्वेश्चन नंबर 27. डैश डिवाइस इज यूज्ड फॉर एनालाइजिंग द वेवलेंथ ऑफ सोर्स ऑफ लाइट. डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग से वेवलेंथ निकाल सकते हैं. डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग के अंदर एम लेमडा बराबर आता है डी साइन थीटा के. लेमडा को मालूम किया जा सकता है. न्यूटन रिंग्स के अंदर भी लेमडा को मालूम किया जा सकता है. इंटरफेरोमीटर में भी किया जा सकता है. इसका मतलब ये तीनों डिवाइस जो है वो वेवलेंथ को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल की जा सकती हैं. मोस्ट जो है वो इंटरफेरोमीटर इस्तेमाल होता है, और डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग भी बहरहाल बहुत ही इस्तेमाल होती है. क्वेश्चन नंबर 28. इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू मास पार्टिकल्स इज डबल्ड, तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी हो जाएगी. अगर डिस्टेंस को डबल कर दिया जाए तो एफ बराबर होता है कैपिटल जी एम वन एम टू ओवर आर स्क्वायर. डिस्टेंस को डबल करेंगे तो ऑलरेडी स्क्वायर लगा हुआ है, ये हो जाएगा 1/4, ठीक है ना. वरना क्या होना चाहिए था, अगर स्क्वायर ना लगा होता हम डिस्टेंस को डबल करते तो फोर्स आधी हो जाती, पर स्क्वायर लगा हुआ है तो फोर्स 1/4 हो जाएगी. दिस वन. क्वेश्चन नंबर 29. व्हेन अ बॉडी मूव्स वर्टिकली अपवर्ड वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी नेगेटिव. ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है ऊपर की तरफ, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ अप्लाई हो रही है. डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ है, फोर्स नीचे है, दोनों के दरमियान का एंगल बनेगा 180 डिग्रीज, और फोर्स का फॉर्मूला जो है अगर उसमें 180 डिग्री पुट करते हैं तो आंसर आता है नेगेटिव. क्वेश्चन नंबर 30. इफ ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो एंड ऑल्सो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू जीरो, तो क्या कंडीशन है. या तो ए या तो बी, दोनों में से कोई एक नल वेक्टर है तभी ऐसा पॉसिबल हो पा रहा है, अदरवाइज ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता. क्योंकि ए डॉट बी जीरो होता है 90 डिग्रीज पे, ए क्रॉस बी जीरो होता है 0 डिग्रीज पे, तो पैरेलल और परपेंडिकुलर वाली बात तो वैसे ही खत्म हो गई. दोनों में से कोई एक नल वेक्टर होगा तभी तो दोनों मरतबा जीरो आंसर आ रहा है. क्वेश्चन नंबर 31. किताबुल मनाजिर इज द फर्स्ट कॉम्प्रीहेंसिव बुक ऑन ऑप्टिक्स. जैसे ही ऑप्टिक्स का नाम आया, फादर ऑफ ऑप्टिक्स का नाम आना चाहिए, इब्नुल हैतम. क्वेश्चन नंबर 32. विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज नॉट करेक्ट फॉर सेंट्रिपेटल एक्सीलरेशन. क्वेश्चन में देखो नॉट करेक्ट लिखा हुआ, यानी कि काफी सारे करेक्ट आएंगे ही आएंगे. तो ए सी बराबर होता है 4π² r/t² ए सी. देखो ये तो है ही ना फॉर्मूला, ये तो फॉर्मूला होता ही है, तो इसको आपने जहन में रखना है. फिर 4π² f² × r, ये फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में करेक्ट है, ये टाइम पीरियड के टर्म्स में करेक्ट है. ए सी बराबर नहीं होता r² ω² की, ठीक है जी. बाकी सब तो सही लिखा हुआ है. क्वेश्चन नंबर 33. द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज सेम एज द अप्लाइड फोर्स, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स. परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, क्योंकि आपको पता है टॉर्क का फॉर्मूला होता है r×f, और r क्रॉस f का मतलब हो गया क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो जो टॉर्क की डायरेक्शन होगी वो r के और f के दोनों के परपेंडिकुलर होगी, ठीक है जी. क्रॉस प्रोडक्ट में परपेंडिकुलर आंसर आता है, तो यहाँ पे टॉर्क का फोर्स के लिहाज से पूछा गया है, तो इस वजह से हमने मार्क कर दिया परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. ये हो गए 33 के 33 MCQs. अच्छे MCQs थे, प्रैक्टिस करो इंशाल्लाह, पेपर में बहुत फायदा होगा. और खुद अपना टेस्ट लो कि इतने अगर MCQs आ रहे हैं तो आप कितने मार्क्स गेन कर पा रहे हो, ठीक है जी. मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़.